Hey guys, Assalamualaikum. This is me, Famiha Kawal. Hopefully, आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ज्यादा खुश होंगे. Welcome back to my another video. Welcome back to my YouTube channel. सो गाइज, आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरी आज की वीडियो किस टॉपिक पर है. मतलब कि मैं मेकअप सेशन होता है मेरा कुकिंग सेशन होता है, मेरे व्लॉग्स होते हैं. सो आज की मेरी वीडियो किस पर है, तो मैं आपको बता दूं कि आज की जो वीडियो है वो बिल्कुल हटकर है. आज मैं बनाने वाली हूँ प्रमोशन वीडियो फॉर मिसेस शुमैला फैसल, क्योंकि उनकी एक, आप जानते हैं, जैसे फर्स्टली तो आप मुझे ये बताएं मेरा आज का लुक आपको कैसा लग रहा है. मैंने सोचा है कि इस रमजान, जो माशाल्लाह हमारे रमजान आ रहे हैं, तो उसमें मैं अपने सर को हर वक्त ढांप के रखूंगी. वैसे तो हमें चाहिए कि हम हर वक्त ही ऐसा करें, बट रमजान जो होता है वो एक हमारा इबादत का महीना होता है, बहुत ज्यादा इबादत का. तो उसमें मैंने सोचा है कि मैं अपना ये वाला गेटअप रखूंगी. और अगर मेरा आपको अच्छा लगा ये गेटअप, तो आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा गेटअप कैसा लगा, अच्छी लगी, बुरी लगी, जैसी भी लगी आप कॉमेंट कर दीजिएगा. और माशाल्लाह से आगे हमारे रमजान आ रहे हैं, थोड़े से दिन ही रह गए और रमजान आ जाएंगे. तो रमजानों में हम सबके लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है कि मिसेस शुमैला फैसल का एक कलाम पाक, उनकी बहुत बहुत अच्छी नात रिलीज होने वाली है. कल वो रिलीज हो जाएगी, तो मैं उसके लिए आज वीडियो बना रही हूँ. उसका एक छोटा सा जो क्लिप है वो मैंने शुरू में भी ऐड कर दिया और लास्ट में भी ऐड कर दूंगी, ताकि आप उसे देख लें. और जब आप उस छोटे से क्लिप को देखेंगे ना, तो वो ट्रेलर है, और जब ट्रेलर देखेंगे तो आपका दिल चाहेगा कि आपने फुल नात सुननी है, क्योंकि उनकी आवाज बहुत ज्यादा अच्छी है. वो एक बहुत बहुत अच्छी नात ख्वां है, मिसेस शुमैला फैसल. वो एक मतलब मल्टी टैलेंटेड होता है ना, जैसे वैसे हैं वो. मतलब वो नात ख्वां भी हैं, फर्स्टली वो नात ख्वां थी, बहुत बेहतरीन नातें पढ़ती हैं, बहुत ज्यादा नात की महफिलें मैंने उनकी सुनी हैं, तो वो बहुत अच्छी हैं. ठीक है, फर्स्टली वो नात ख्वां थी, सेकेंड वो बनी ब्यूटिशियन आई, वो उन्होंने मतलब ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग वगैरह ली, वो ब्यूटिशियन बन गई. देन उन्होंने अपने शो ऑर्गेनाइज करना शुरू किए, मेकअप के जो शोज होते हैं वो ऑर्गेनाइज किए. मतलब कि मल्टी टैलेंटेड, और वो अपने घर को भी देखती हैं. मतलब वो बहुत, मुझे मतलब एक जो देखते हैं ना कुछ पर्सनैलिटीज को, देख के बड़ी खुशी होती है कि वो अपने घर के लिए भी बहुत काम कर रही हैं और अपने लिए भी बहुत कुछ कर रही हैं, अपना भी एक नाम बना रही हैं अलग से. तो वो उनमें से हैं, और मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आप उनका वो कलामे पाक सुनेंगे और उन्हें लाइक करेंगे, शेयर करेंगे आगे. बाकी जो इसका छोटा सा क्लिप है वो तो आप देख ही लेंगे. तो मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आपके उनकी आवाज़ सुन के, जब मैं उनकी दीवानी हो गई हूँ, मतलब उनकी नात के आगे ना मुझे उनकी आवाज़ इतनी अच्छी है, जैसे कानों में रस घुल जाते हैं ना, सुकून मिलने वाली आवाज़. सो गाइज, उनकी आवाज बहुत अच्छी है. तो मैंने तो उनकी नाते बहुत ज्यादा सुनी हुई है, क्योंकि मैं उनको जानती हूँ, उनकी नाते सुनती रहती हूँ. बट आप लोग, मुझे पता है, फर्स्ट टाइम उनकी नात सुनेंगे. जो भी मुझे देख रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उनकी जो कलाम पाक है वो पूरा सुने, जरूर सुने. उनका कल रिलीज हो जाएगा, उसको जाके लाइक करें, शेयर करें. और उनकी जो, अगर जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं नात पढ़ने में, तो ऐसा भी है कि वो नात में आगे चांस भी देती हैं. जैसे ना, अगर आप चाहते हैं कि आपने नात पढ़नी है और उनके साथ नात में मतलब ऐड होना है, तो वो आपको ऐड भी कर लेंगी. आप उनको कमेंट कर सकते हैं, आप उनको डायरेक्ट मैसेज कर दें इंस्टाग्राम पे या कुछ भी. मैं उनका लिंक वगैरह आपको शेयर कर दूंगी, तो आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं और आप उनके कलाम में भी शरीक हो सकते हैं. क्योंकि ये तो अभी एक कलाम है, मतलब जो नात उनकी रिलीज हो रही है वो कल हो जाएगी, कल. बट रमजान में एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन उनकी नातें आने वाली हैं, तो हो सकता है किसी भी नात में वो आप लोगों को भी ले लें. सो आप लोग उनको मैसेज करते रहें, उनकी वीडियोस को लाइक करते रहें. मिसेस शुमैला फैसल, बेसिकली मेरी आज की वीडियो बनाने का मकसद यही था, और मैं दिखाना चाहती थी आपको अपना आज का ये लुक जो मैंने खुद क्रिएट किया. अगर आपको अच्छा लगा इस तरह से मेरा स्कार्फ कवर करना, मेरा मेकअप लुक वगैरह रमजान के लिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा. मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को इसकी जो ट्यूटोरियल होता है वो जरूर बनाकर दिखाऊंगी. और जैसे कि आपको पता ही, आगे रमजान आ रहे हैं, रमजानों में मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अपने लिए भी दुआ कीजिएगा, और सारी बुराइयां और एक दूसरे के खिलाफ जो दिलों में गइबतें होती हैं, जो बुरी बुरी, मतलब मैं सिर्फ अपने एक दिल की आपको बात कह रही हूँ, और मैं चाहूंगी कि शायद आप लोग ये समझें, एक दूसरे के खिलाफ जो दिल में गइबतें हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सॉल्व करने की कोशिश करें. और
इस रमजान में एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें। वैसे तो हमें चाहिए कि हम हमेशा ही कोशिश करें कि हम एक अच्छा इंसान बन जाएं, लेकिन अब रमजान जैसा बेहतरीन महीना इबादत के लिए, जो मतलब इबादत ही इबादत होती है, वरना जिसमें इस महीने में जो नहीं भी करता है ना, वो भी इबादत करता ही है। रोजे रखते हैं हम अल्लाह के लिए, अल्लाह के डर से हम पानी नहीं पीते, हम मतलब इबादतें करते हैं और अल्लाह से दुआएं करते हैं। इतना बेहतरीन महीना है आ रहा है, तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने दिलों को साफ कर लें, किसी के लिए कोई बुराई बदगुमानी ना रखें दिलों में, और सबसे मिलजुल कर रहें, सबके लिए दुआएं करें। मैं भी सबके लिए दुआ करूंगी कि जो जिस काम में भी है उसे अल्लाह ताला उसमें कामयाबी दे, जो जिसके नसीब में अच्छा है उसके साथ वो हो। और मेरी तरफ से सबको यही दुआ है कि सब लोग अल्लाह ताला उनकी हर जायज़ दुआ, सबकी हम सबकी हर जायज़ दुआ कबूल मकबूल फरमाए। और जैसा कि इस नात कलाम पाक है रमज़ान के हवाले से, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि जब हम रमज़ान में अच्छी अच्छी नातें, ये एक कलाम पाक है, इसके अलावा भी बहुत सारी नातें हैं, हम वो सुनें, दर्स वगैरह सुनें, रोज़े रखें, कुरान पाक पढ़ें, इबादत करें, नमाज पढ़ें और एक अच्छा मुसलमान बन जाए, तो अल्लाह ताला हमारी दुआएं ज़रूर ज़रूर सुनेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग इस रमज़ान को एक बेहतरीन रमज़ान बना लें अपनी लाइफ का, क्योंकि ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता है कि कब कब क्या हो जाए, हमें कुछ नहीं पता। सो एक दो, और वैसे भी आप सब जानते हैं हमारा पाकिस्तान, बल्कि पूरी दुनिया अभी इतने ख़तरनाक वायरस से गुजरी है। बेसिकली अभी भी हम लोग जो हैं वो हम खुल के सांस नहीं ले सकते, अभी भी हम लोगों को मास्क लगाकर ही बाहर जाना है, ज़्यादा बेहतर है। वैसे तो अब हमारा नॉर्मल हो गया है सब कुछ, लेकिन फिर भी हम लोग चाहते हैं कि अपने आप को बचा के रखें और दुनिया भी बची रहे, तो हम लोग को चाहिए कि हम एहतियात करें, मास्क वगैरह लगा कर रखें। तो हमें, मैं भी एहतियात करती हूँ, आप लोग भी एहतियात किया करें मतलब। और रमज़ान को बहुत ज़्यादा नेमतों के महीना आने वाला है, तो हमें उसको फुल ऑफ इबादत से गुजारना चाहिए और दिल की सारी बुराइयों को ख़त्म कर देना चाहिए। एंड बहुत बहुत दुआएं करनी चाहिए सबके लिए अच्छी अच्छी, क्या पता किसकी ज़बान से किसके लिए दुआ कबूल हो जाए। सो गाइज, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आमदी रमजान है, आमदी रमजान।